पूर्वोत्तर रेलवे बारिश के दिनों में उफनती नदियों और बाढ़ के खतरे के बीच रेलवे पुलों पर बढ़ते जलस्तर की निगरानी कर रहा है। बता दें कि इस निगरानी से जलस्तर बढ़ने पर खतरा के प्रति पहले से जानकारी मिल जाएगी। इसके लिए रेलवे ने वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया है, जो वो अधिकारियों को SMS के माध्यम से प्रतिदिन वाटर लेवल की जानकारी देगा। रेल प्रशासन नित नई तकनीकियों के समावेश से निरंतर सुरक्षा सुधार के पथ पर अग्रसर है। आपको बता दें कि अभी नदियों की जलस्तर की निगरानी हेतु पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न खंडों पर स्थित 18 महत्वपूर्ण पुलों पर वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं, जिसमें ओडिहार वाराणसी खंड के मध्य गोमती नदी पर बने पुल संख्या 137, वाराणसी प्रयागराज के मध्य गंगा नदी पर बने पुल संख्या 111, सलीमपुर इंदारा के मध्य घाघरा नदी पर बने पुल संख्या 31, छपरा फेफना के मध्य घाघरा नदी पर बने पुल संख्या 16, नरकटियागंज कप्तानगंज के मध्य गंडक नदी पर बने पुल संख्या 50, सिवान भटनी के मध्य छोटी गंडक नदी पर बने पुल संख्या 119 प्रमुख है। इस बारे में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि सुरक्षित एवं संरक्षित ट्रेन संचालन रेलवे की पहली प्राथमिकता है। इससे सुदृढ़ करने के लिए सतत सुधार एवं आधुनिक तकनीकी का समावेश किया जाता है। बरसात के इस मौसम में महत्वपूर्ण पुलों पर नदियों का जलस्तर मापने के लिए इज्जत नगर मंडल की गंगा यमुना एवं देहवा नदी पर लखनऊ मंडल के घाघरा राप्ती घाघरा शारदा बबई सरयू ककरा एवं रोहिणी नदियों पर तथा वाराणसी मंडल की गंगा गंडक घाघरा गोमती एवं छोटी गंडक नदियों पर बने पुलों पर वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं। बता दें कि आधुनिक वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम के लग जाने से नदियों पर बने रेल पुलों पर वाटर लेवल की सूचना मिलना आसान हो गया है। इस सिस्टम पर सोलर पैनल से जुड़ा एक सेंसर होता है, जिसमें एक चिप भी लगी होती है। यह सेंसर ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ा होता है। प्रतिदिन नियमित अंतराल पर नदियों के जलस्तर की जानकारी संबंधित सहायक मंडल इंजीनियर सेक्शन इंजीनियर कार्य एवं सेक्शन इंजीनियर रेल पथ के मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से मिल जाती है। फलस्वरूप नदी से जल के जलस्तर की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई पर रेल पथ को संरक्षित करना आसान हो जाता है।